हेलो फ्रेंड्स, पार्ट थ्री में आपका फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पे पार्ट थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट टू में हमने एटम के वैलेंसी के बारे में, एटम के चार्ज के बारे में, कौन केटायन कौन एनायन बनता है, कौन मेटल कौन नॉन मेटल, कौन बेस बनाता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम कंपाउंड कैसे बनते हैं, राइट, कंपाउंड कैसे बनते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, और फिर हम बात करेंगे मोल मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तीन टॉपिक बहुत ही बेसिक से एकदम से हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास और मूल कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक कंपाउंड, हाउ टू मेक कंपाउंड। चलिए ठीक है, अब इसको करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आपको कंपाउंड बनाने से पहले आपके एलिमेंट के नाम, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी के बारे में आपको एक बहुत ही बढ़िया सा नॉलेज आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहला कंपाउंड बना रहा हूँ, वाटर। ठीक है, वाटर का आपने नाम सुना होगा, वाटर का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एलिमेंट और फिर लिखूँगा मैं वैलेंसी। ठीक है, हाइड्रोजन है तो मैं इसको H लिख रहा हूँ और ऑक्सीजन है तो मैं इसको O लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंबल पता होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इनको हम क्रॉस कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, H2O1। बट 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, H2O, राइट। ओके, अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसकी एटॉमिसिटी निकालेंगे, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब उस कंपाउंड में कितने एटम हैं। आप देख सकते हो H, H और O, ठीक है, और कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। ओके, अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बोलो, फॉर्मूला मास बोलो, कंपाउंड का मास बोलो, सब सेम ही है। तो आपने देखा इसमें 3 एटम हैं अलग-अलग, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास आपको मालूम है 1 होता है, इसका मास भी 1 होता है। ऑक्सीजन का नंबर 8 था तो 8 का डबल करोगे तो 16। ठीक है, तो इस तरीके से 18 यूनिट, ठीक है, 18 यूनिट क्या हो गया इसका, मॉलिकुलर मास हो गया। मतलब वाटर का अगर 1 मोल लिया जाए, ठीक है, अभी 1 मोल मैं बता रहा हूँ, 1 मोल आप लेके चलिए, थोड़ा सा मैं 1 मोल आगे जाकर डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। 1 मोल ऑफ H2O तो उसका कितना वेट होगा या कितना उसका मास होगा, ठीक है, मास नहीं बोल सकते बट अभी आप समझने के लिए ऐसा ले सकते हो, तो कितना मास हो जाएगा उसका, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 36 ग्राम या 36 यूनिट ऑफ वेट हो या मास हो वाटर का, तो उसमें कितने मोल आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 2 मोल, 2 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मेरे पास 3 मोल ऑफ वाटर है, 3 मोल ऑफ वाटर, मेरे पास 3 मोल ऑफ वाटर है, तो आप क्या बोलोगे, 18 3 54 यूनिट वाटर का मास होगा। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक सा थोड़ा पता चल जाना चाहिए।
जो उसका मास होता है वो उसके वन मोल के बराबर होता है। जो आपने यहाँ पे जो मास लाया ना, यहाँ पे ये जो मास आपका आ रहा है वो वन मोल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसमें एलिमेंट, वैलेंसी और फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट देख सकते हो, दो दो लोग हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन है, तो मैंने नाइट्रोजन का N लिख दिया, ऑक्सीजन का O लिख दिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2O3। अभी हम एटॉमिसिटी देखेंगे। एटॉमिसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, N+N+O+O+O कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं और 3 ऑक्सीजन हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। 2 नाइट्रोजन का मास कितना है, 7 नंबर मतलब 14, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है, 8 है, इसको ऑक्सीजन समझना आप, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8 है, मतलब कितना हो जाएगा, 8×8=16। ये हुआ 28+48, 8+8=16, 76 यूनिट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना आ जाएगा आपका, 76 यूनिट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको 2 मोल निकालना है इसका, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको डबल कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2×76 कितना हो जाएगा, 6×2=12, 7×2=14 प्लस 1=15 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप 3 मोल, 10 मोल, N मोल तक आप इसका निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमेंट, वैलेंसी, फॉर्मूला, एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो क्या हो जाएगा, C2O4। इसको आप कट कर सकते हो, 2×2=, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसकी एटॉमिसिटी निकालते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी एटॉमिसिटी, 3 हो जाएगी। इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन कितना है, 6 नंबर मतलब 12, ऑक्सीजन 8 नंबर मतलब 16, ऑक्सीजन 8 नंबर मतलब 16, 12+32 ये हो गया 44 यूनिट, ठीक है। अब वन मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, वन मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 44 यूनिट हो गया,
सेम, अगर मैं 2 मोल ऑफ CO2 निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 88 यूनिट, ठीक है। और अगर ऐसा बोला हो कि 1 32 यूनिट मास के अंदर, 1 32 यूनिट मास के अंदर कितने मोल CO2 होगा, CO2 के कितने कितने मोल CO2 होंगे, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो अब ये वाली आगे ये वाला स्टेप हम नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहे हैं कि कैसे स्टेप्स फॉलो करना है। यहाँ पे तो आपने क्या कर दिया कि मोल दिया हुआ है और आपने मास फाइंड किया। अब आपके पास देखो मास दिया हुआ है और आपको मोल फाइंड करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाएंगे, मोल कंसेप्ट लगाएंगे, मोल कंसेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में शुरू कर रहे हैं हम, कैसे मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला दिया हुआ है, मोल कंसेप्ट, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे आप बाजार में जाते हो और कुछ बोलते हो ना कि अगर मुझे 1 डज़न मैंगो चाहिए, 1 डज़न मैंगो चाहिए, इसका मतलब वो क्या देगा आपको, 12 पीसेस ऑफ मैंगो, पीसेस नहीं बोलेंगे, नॉस, मतलब 12 मैंगो देगा आपको, ठीक है। वैसे ये डजन है ना, ये बिल्कुल इससे मैच करता है, मोल से मैच करता है। यहाँ पे 1 डज़न में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल में कितना होता है, 6.023 × 10^23 एटम्स होते हैं। ये नंबर बहुत ही बड़ा है बोलने में, इसलिए इसको नंबर को शॉर्ट में बोल देते हैं, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। ये भी नंबर बोलने में बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसको और भी शॉर्ट में बोल दिया गया, एवोगैड्रो, ठीक है, ए भी नंबर, ठीक है। जैसे 1 डज़न में 12 मैंगो आते हैं, वैसे 1 मोल में 6.023 × 10^23 एटम्स आएंगे, क्लियर हुआ। अब मैं ऐसा बोलूं कि 1 मोल CO2, अभी अभी आपने ढूंढा था 1 मोल CO2 किसके बराबर था, 44 ग्राम या 44 यूनिट CO2 के बराबर था। अगर मतलब अगर आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के बराबर होता है, और उस 44 ग्राम CO2 के अंदर 6.023 × 10^23 कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, 6.023 × 10^23 एटम्स होंगे किसमें, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अगर मैं ऐसा क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 मोल ले रहा हूँ, 2 मोल CO2 ले रहा हूँ, तो मुझे कितना वेट लेना पड़ेगा CO2 का, 88 ग्राम लेना पड़ेगा CO2 का, और उसमें कितने आ जाएंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 12.046 × 10^23 एटम्स हो जाएंगे CO2 के, एलिमेंट्स हो जाएंगे या पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 3 मोल ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 मोल कार्बन का ले रहा हूँ, 3 मोल CO2 का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 132 ग्राम ऑफ CO2 लेना पड़ेगा मुझे, और उसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप ग्राम को थोड़ा सा कंसिडर मत करना, उसको यूनिट लेके ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको 6.023 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3
3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 0 जा 0 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। तो 18.069 × 10^23 एटम्स होंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। सेम, अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर ले रहा हूँ, 1 मोल ऑफ वाटर H2O, तो आपको पता था 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर या 18 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि 18 ग्राम वाटर के अंदर, 18 यूनिट वाटर के अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर मैं 32 ग्राम वाटर ले लेता हूँ तो उसमें कितने हो जाएंगे, 12.046 एटम्स हो जाएंगे। सिमिलरली आप उसको 3 मोल से चेक कर सकते हो, 5 मोल से चेक कर सकते हो, 10 मोल से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मोल कैसे निकालना है एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड पार्टिकल्स इन 500 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था, Al, ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, वैलेंसी 3 आ जाती है, 2 आ जाती है वैलेंसी इसकी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। मुझे इसका मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, Al+ Al+O+O+O, ये 13 नंबर पे है मतलब 26 26, 8 नंबर पे है तो 16 प्लस 16 प्लस 16, 26 और 26 होता है 52 और ये हो जाएगा 48। कुल मिलाकर ये हो गया 100 ग्राम या 100 यूनिट। यूनिट कहना सही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर वन मोल ऑफ Al2O3 लिया जाए तो उसका कितना वेट होता है, 100 ग्राम होता है, राइट। ठीक है, तो अभी हमें तो क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, तो आप लगा दीजिए फार्मूला, नंबर ऑफ मोल क्या था फार्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास बोलो या मॉलिकुलर मास बोलो, यही आपका क्या होता है, ये आपने जो निकाला यही आपका क्या है, मॉलिकुलर मास है या फिर मोलर मास है। मोलर मास और मॉलिकुलर मास कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है। चलिए, तो कितना बोला हुआ है, नंबर ऑफ मोल, मोल को हम एम से दिखाते हैं। गिवन मास कितना था यहाँ पे, 500 ग्राम था, 500 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है आपका, यहाँ पे देख सकते हो 100 आया है। तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन, 100 × 5 = 5 मतलब 5 मोल आ जाएंगे आपके। ठीक है, 5 मोल आ जाएंगे। अभी आपको मालूम ही है यहाँ पे 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो के बराबर होते हैं, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 500 क्या लिखेंगे हम, 500 ग्राम ऑफ Al2O3 के अंदर कितना होंगे, 5 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। आप यहाँ पे इतना लिख के भी इसको छोड़ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, बट आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी है, 23
तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 5 15 का 5 आ गया, कैरी गया 1, 5 2 10 + 1 कैरी गया 1, 5 0 0 + 1 एंड 5 6 30 10 to 23। ठीक है, मतलब 500 ग्राम Al2O3 के अंदर आपको 30.115 × 10⁻²³ एटम्स मिलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के, या पार्टिकल्स मिलेंगे, या कंपाउंड के अंदर इतने एलिमेंट्स मिलेंगे। तो होप सो आपको यहाँ पे मोल कंसेप्ट समझ में आया होगा, और कैसे आप कंपाउंड में से, एलिमेंट्स में से आप नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट्स निकाल सकते हो, वो भी आप यहाँ पे आप समझे होंगे। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपने आपने प्रॉपरली सीखा है, समझा है, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। वीडियोस को आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो ये एक बार आपके दिमाग में सही तरीके से एक बार लर्न हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये आप लाइफ भर कभी भी नहीं भूलोगे, और आप इस चीज़ को किसी और को भी ईजिली सिखा पाओगे। तो होप सो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों देखे हैं, तीनों को समझा है, और काफ़ी सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कीजिए ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो आशा रखते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। तो अगर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे ज़रूर में, और आप हमें बताइए कि और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम और टॉपिक्स को लेकर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।